राशन वर्षन में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए। और मैंने साफ कहा है कि राशन में अगर कोई ने गड़बड़ी करी तो सीधे FIR काटो, हथकड़ी लगाओ, जेल भिजवाओ और बुलडोजर भी चलाओ। चलना चाहिए कि नहीं? जितने गुंडे बदमाश दादिया दादा माफिया ये गरीबों का हक खाने वाले। अभी मैंने पूछा कलेक्टर से यहाँ कार्रवाई कितनी हुई है, तो मुझे बताया कि एक साल में 35 एकड़ भूमि 22 करोड़ 70 लाख की हमने कब्जे से मुक्त कराई है। पूरे मध्य प्रदेश में देखो एक बात साफ, माताओं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ। अभी तीनों बेटी आई थी, साक्षी जयसवाल, कनिष्का अवस्थी, पूर्णिमा राजपूत। अगर माँ बहन और बेटी की तरफ अगर किसी की गलत नजर उठी तो तबाह करके रख दूंगा, कुचल के रख दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। क्योंकि ये लोग केवल जेल भेजने से नहीं मानेंगे, जेल चले गए फिर जमानत हो गई। मैंने कहा ऐसा तोड़ो के जीने के लायक ना रह पाए, घर उड़ा दो, संपत्ति जब्त कर लो, इनको जीने के लायक नहीं रहने देंगे हम। आम जनता के लिए अपनी सरकार। और राशन में अगर कोई गरीब छूट गए होंगे, हमारे सांसद जी अध्यक्ष जी है, प्रणय है, कोई छूट गए हो तो जोड़ लेना, कोई गरीब छूटना नहीं चाहिए। और एक बात और, कोई अमीर ले रहा हो तो भैया नाम कटवाना ना रे, ये बात भी सही है कि नहीं? अरे सब बताओ सही है कि नहीं? गरीबों को लेने दो भैया, तो ये ट्रैक्टर मैक्टर वाले को ले रहा हो तो देख लेना, तो गरीब के जुड़ जाए। कोई गरीब नहीं रहना चाहिए ऐसा शेष जिसको अनाज ना मिले। राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के साथ अपनी राय जरूर दें। और देखते रहिए TMT News 24।